हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था नॉन वर्बल रीजनिंग। उसमें क्या चल रहा था? नॉन वर्बल रीजनिंग यानी क्या? अभाषिक तर्क शक्ति। इसमें चल रहा था हमारा दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। इसका हमने कल फर्स्ट पार्ट देख लिया था, आज है इसका सेकेंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे आकृति वाले क्वेश्चन। आकृति वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए उनको भी फुल डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। ये क्या है? जैसे ये वस्तु है, वस्तु की जगह क्या है? अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इधर है और एक वस्तु है ये, और इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको हम देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं और नंबर होते हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से। अब इसमें देखते हैं, जैसे क्या है, अगर ए है, ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? सेम यही होगा। बी है तो बी का ऐसा होगा। होता क्या, दर्पण प्रतिबिंब में इसका ऐसे पलट जाता है, यानी जो इधर वाला भाग है वो इधर आ जाता है, जो इधर वाला भाग है इधर। इसका मतलब क्या है? दायां भाग बायां बन जाता है, बायां भाग दायां बन जाता है, ऊपर और नीचे का चेंज नहीं होता है। सी का ऐसे हो जाएगा, डी का ऐसे, जी का ऐसे, सेवन का ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे बना हुआ है कोई क्रॉस, यानी तीर का निशान ऐसे है तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या है, जो इधर वाला भाग है ये पहले दिख रहा है हमें, और ये वाला ऐसे दिख रहा है, और ए बी का यानी जो इधर वाला भाग है ये हमें दिखेगा पहले, और जो पहले दिख रहा है ये दिखेगा बाद में। इसमें देखिए, अगर नंबर में तो ये वाला भाग दिखेगा हमें पहले और ये वाला दिखेगा बाद में। ये होता है दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में कैसे होता है? जल प्रतिबिंब में क्या, यहाँ नीचे अगर दर्पण नीचे लगा दें तब भी क्या बनेगा? ऐसा। अगर दर्पण लगाते हैं, अगर नीचे लगा दें, यहाँ नीचे दर्पण, नीचे या ऊपर, तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। और नहीं तो क्वेश्चन में अगर बोल रखा हो जल प्रतिबिंब तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। अगर ए है तो ऐसा बन जाएगा। इसमें क्या होता है, ऊपर का नीचे आ जाता है और नीचे का ऊपर चला जाता है। इसमें दाएं और बाएं का नहीं बदलता है, ऊपर और नीचे बदलता है। तो बी को देखें अगर तो ऐसा ही होगा, सी को देखें तो ऐसा, सेवन को देखें तो ऐसा हो जाएगा, जी को देखें तो ऐसा हो जाएगा, और टी का निशान अगर ऐसे है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा। इसको अगर देखें तो इसमें क्या है, इसके नीचे बदलेगा, तो ये इसका भाग ऊपर हो जाएगा यानी ये, और जो ऊपर था ये आ जाएगा नीचे, तो इसमें ऐसे बदलता है। और इसको देखें अगर तो ए का क्या है, ए बदलेगा पहले ऐसा, फिर बी बदलेगा तो ऐसा ही होगा। अगर जीरो एट को देखें तो जीरो का पहले आ गया जीरो, एट का बदलेगा तो ऐसे। ये होता है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। अब देख लेते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब में अगर लेटर है और नंबर है तो उसमें क्या क्या नहीं बदलता है। दर्पण प्रतिबिंब में समान रहता है क्या? ए एच आई एम ओ टी यू वी एक्स वाई, अगर वाई ऐसा वाला है, अगर ऐसा वाई है तो नहीं बदलेगा, सेम ऐसा ही होगा, जीरो एट। और जल प्रतिबिंब में क्या है, जल प्रतिबिंब में समान रहता है क्या क्या? सी डी ई एच आई ओ एक्स 038। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, अगर दर्पण नीचे रखा हो या ऊपर रखा हो तब भी ऐसा ही होगा। अब देखते हैं आकृतियों वाले क्वेश्चन क्या है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, क्या है ये, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये वाली आकृति आपको दिख रही होगी, इसके चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें क्या बताना है हमें, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसमें क्या है, एक तो ऐसे हो जाएगा और फिर एक इसके ऐसा, जो इसका दायां भाग है वो हो जाएगा बायां साइड और जो बायां भाग हो जाएगा दायां। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे और एक कलर वाला भाग आ जाएगा इधर, कलर वाला भाग किधर आ जाएगा, इधर ऊपर। तो ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ए ऑप्शन में। तो ए हो गया हमारा सही। बस इसमें क्या करना होता है, दायां भाग हो जाएगा बायां, बायां भाग हो जाएगा दायां, ऊपर और नीचे का सेम रहता है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, ऐसा दिखेगा। तो हमें किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है ए ऑप्शन में, तो ए हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इधर वाला भाग जो है उधर चला जाएगा, यानी जो दायां भाग है वह बाएं साइड और जो बायां भाग है वह दाएं साइड चला जाएगा। तो क्या होगा, इसका ये वाला भाग आ जाएगा इधर, यानी ये दाएं साइड ही आ जाएगा बाएं,
तो इसका क्या है, ये छोटा वाला जो है एक लाइन छोटी है ये आ जाएगी, ये लाइन क्या है, ये लाइन दिख रही है हमें उस साइड, तो ये लाइन आ जाएगी इधर, और जो बड़ी लाइन है वो आ जाएगी इसके नीचे, और ये वाला स्क्वायर आ जाएगा इसके नीचे, और ये जो कट का निशान है वो आ जाएगा यहाँ। तो ऐसी आकृति हमें दिखेगी, हमें किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है ये वाली आकृति दिख रही होगी, इसमें बताना है दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब दर्पण किधर लगा हुआ है, दर्पण इस साइड लगा हुआ है, दर्पण क्या है, अगर यहाँ लगा हो या यहाँ लगा हो, दाएं साइड लगा हो या बाएं साइड लगा हो, तो एक ही बात है, दोनों सेम आंसर ही आएगा। जब ऊपर या नीचे लगा होता है तो आंसर बदल जाता है, तो इसमें क्या है, इधर लगा हो या इधर लगा हो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था ऐसा ही ये भी है, तो क्या है, दर्पण प्रतिबिंब यहाँ लगा हो या यहाँ लगा हो, ऐसी ही आकृति यानी सेम आंसर आएगा। तो क्या है इसका आंसर, क्या आएगा अगर इसको हम देखें, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो इसमें क्या आएगा, यहाँ बनेगी ये, तो जो इधर वाला भाग है यानी जो बायां भाग है वो हो जाएगा दायां, और जो दायां भाग है वो हो जाएगा बायां, तो यानी जो हमें दाएं साइड दिख रहा है ये ऐसे पलट जाएगी इधर, तो जो दाएं साइड है वो आ जाएगी इधर, तो इसका प्रतिबिंब सबसे पहले आएगा। इसका प्रतिबिंब अगर देखें तो एन सीधा है, ये उल्टा एन हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, यानी सीधा एन था उल्टा हो जाएगा, और इसका अगर देखें तो ये बनेगा इधर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये उल्टा एन है तो ये हो जाएगा सीधा, और इसको देखें तो ये आ जाएगा पहले यानी यहाँ आएगा ये, तो जेड को देखें तो सीधा जेड है, अब हो जाएगा उल्टा जेड, और एन सीधा है तो ये हो जाएगा उल्टा एन, तो ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो बी हो गया हमारा सही। अब देखते हैं क्वेश्चन जल प्रतिबिंब वाले, जल प्रतिबिंब क्या, अगर दर्पण प्रतिबिंब नीचे लगा हो या ऊपर लगा हो, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा हो कि दर्पण प्रतिबिंब नीचे लगा है या ऊपर लगा है, या क्वेश्चन में बोल रखा हो जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सबका आंसर एक ही आएगा, तो हम देखते हैं अब जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या बताना है इसमें, इसमें जल प्रतिबिंब बनाना है, ये किस में आया हुआ है, SSC CGL में आया हुआ है, तो इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। इसका मतलब क्या है, हमें अगर दर्पण यहाँ लगा हो ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, या इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। तो जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो ऊपर का भाग होता है वो आ जाएगा नीचे, और जो नीचे का भाग होता है वो आ जाएगा ऊपर, तो कैसा बनेगा जल प्रतिबिंब, जो इसका ऊपर का भाग यानी कलर्ड वाला भाग आ जाएगा नीचे, और जो इसमें ऐसा साइन है ये आ जाएगा इधर ऊपर चला जाएगा, और जो इसके जो दो ऊपर हैं ये आ जाएंगे नीचे, और ये वाला भाग चला जाएगा ऊपर, तो ऐसी आकृति बनेगी। ये हमें किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ए ऑप्शन में, तो ए हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है इसमें, जल प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी जल प्रतिबिंब इसका हमें बताना है। तो जल प्रतिबिंब कैसा होगा इस आकृति का, इसमें क्या है, ऊपर का भाग ये है, नीचे का भाग यह है, तो ऊपर का भाग आ जाएगा नीचे, और नीचे का भाग चला जाएगा ऊपर, तो कैसा बनेगा ये, इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें क्या है, ये कलर्ड वाला भाग आ जाएगा ऊपर यानी इधर, और इसका नीचे वाला भाग आ जाएगा इधर, ये चार डॉट हैं, और ये क्या, ये ऊपर आ गया, और ये वाला भाग आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएंगे नीचे, बस इसका ऐसे कर देना है, चार डॉट है, ये आ जाएगा नीचे, और इस क्रॉस वाला आ जाएगा इधर, तो क्रॉस को कर देंगे हम इधर, चार चार क्रॉस हैं, ये इसके इधर है, यानी एक तरह से ऐसे है यहाँ तक है, इसका यानी जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा ऐसा, ये हमें किस में दिख रहा है, यह दिख रहा है हमें डी ऑप्शन में, तो डी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें, इसमें जल प्रतिबिंब बताना है, तो इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जल प्रतिबिंब में क्या करना होता है, हमें ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है, तो अगर हम इसको देखें तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसा हो जाएगा, इसका ऊपर वाला भाग आ गया नीचे और नीचे वाला भाग आ गया ऊपर, तो ये हो जाएगा गोला यहाँ, और ये हो जाएगा इधर, और इसकी वाली आकृति हो जाएगी इधर, तो ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही। बस इसमें ऊपर वाला भाग आ गया नीचे, और जो नीचे वाला भाग था ये चला गया ऊपर, बीच वाला भाग सेम रहता है, तो ये हो गया सी ऑप्शन, हो गया हमारा सही। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है, इसका भी जल प्रतिबिंब हमें बताना है, जल प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये वाली आकृति आपको दिख रही होगी, क्या है इसका जल प्रतिबिंब हमें बताना है, तो इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा,
जो ऊपर का भाग है वो नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें बीच वाली लाइन को देखें तो जो इसका नीचे का भाग है वो आ जाएगा ऊपर, यानी ये कलर्ड वाला भाग आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है ये आ जाएगा नीचे, ऐसा हो जाएगा। अगर इसको देखें तो इसका क्या है, इधर वाला भाग आ जाएगा इधर, और जो यहाँ वाला भाग है आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा ऐसे। तो ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। आशा करता हूँ कि आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब बनाना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।